परमेश्वर इस नए साल के लिए वादा करता है कि वो आपके जीवन में इस अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। इस पूरे साल में प्रभु जी आप अपने लोगों के साथ में चलकर अपनी भलाइयों को, अपनी दया को, अपनी करुणा को उन पर आप प्रकट करें और उन्हें दिखाएं परमेश्वर की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में और इस नए साल की पहले दिन की प्रार्थना में। और हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आप सब लोगों को मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयां आप सब लोगों को। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने इस साल के लिए जो वादा हमसे किया है उस वादे को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। परमेश्वर ने इस नए साल के लिए हमसे एक वादा किया है और परमेश्वर उस वादे को इस नए साल में हमारे जीवन में और आपके जीवन में, जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो हिंदी बाइबल मैसेज के साथ में जुड़े हुए हैं, जो रोज सुबह शाम हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाओं को करते हैं, उन लोगों के जीवन में, उन सब के जीवन में परमेश्वर इस वादे को, इस वचन को, इस प्रॉमिस वचन को निश्चय पूरा करेगा। तो इसलिए आप अपनी पेन, अपनी डायरी, अपनी बाइबल लेकर बैठ जाइए और इस वचन को नोट कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर इस साल इस वचन के आधार पर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। तो मेरे साथ आप निकाल लेंगे निर्गमन की किताब, उसका 33:19, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम प्रचार करूंगा और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु तू मेरे साथ में चल, इतने सारे इसराइलियों को लीड करने के लिए, इनकी अगुवाई करने के लिए तू मेरे साथ में चल, मैं अकेला आगे नहीं जाऊंगा, मैं सीने पर्वत से आगे नहीं जाऊंगा, तू मेरे साथ में चल, तब परमेश्वर ने उससे वादा किया, मैं तेरे सम्मुख होकर अपनी सारी भलाई को तुझे दिखाऊंगा, मैं अपनी भलाई को तुझे दिखाऊंगा, तेरे आगे आगे चलकर मैं अपनी सारी भलाई को तुझे दिखाऊंगा। और परमेश्वर ने उसे फिर अपना दर्शन वहां पर करवाया और मूसा ने परमेश्वर का दर्शन वहां पर किया। और आप जानते हैं कि उसके बाद परमेश्वर उसके संग संग चलता रहा और परमेश्वर ने उसके लिए, इसराइलियों के लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया, उनके जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया, उनके लिए उपाय किए, उनके लिए प्रबंध किए, उनके लिए अद्भुत कार्यों को परमेश्वर ने किया, उनके लिए लड़ा। इसी प्रकार से परमेश्वर इस नए साल 2023 में आपसे और मुझसे, हम सबसे ये वादा करता है कि परमेश्वर हमारे सम्मुख होकर, परमेश्वर हमारे सम्मुख चलकर हमें अपनी सारी भलाई को दिखाएगा। हमारे जीवन में इस 2023 में परमेश्वर अपनी भलाई को आपके जीवन में दिखाएगा, अपनी भलाइयों को, अपने भलाइयों को, अपने आश्चर्य कर्मों को, अपने अद्भुत उपायों को, अपने अद्भुत प्रबंधों को परमेश्वर आपके जीवन में दिखाएगा, जैसे उसने उनके जीवनों में दिखाया, इसराइलियों के जीवन में दिखाया, मूसा के जीवन में दिखाया। उसी प्रकार परमेश्वर इस नए साल के लिए वादा करता है कि वो आपके जीवन में इस अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा कि अपनी भलाई को आपके जीवन में दिखाएगा। और आप इसे स्पष्ट रूप से लिख लीजिए कि परमेश्वर इस साल आपके जीवन में ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा, अपनी भलाई को आपके जीवन में दिखाएगा, अपने आश्चर्य कर्मों को आपके जीवन में दिखाएगा। आप इसे लिख लीजिए, परमेश्वर इस वचन के आधार पर आपके जीवन में, आपके परिवार में काम करेगा। एक और वचन हम लोग देखेंगे, भजन संहिता उसका 20:4, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तेरी मन की इच्छा को पूरा करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। परमेश्वर इस साल में आपसे वादा करता है
कि परमेश्वर आपकी मन की इच्छा को पूरा करेगा और आपकी युक्तियों को, आपकी योजनाओं को परमेश्वर सफल करेगा। तो इसलिए आज शाम में जब आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं, आप पेन डायरी लेकर बाइबल लेकर बैठे हुए हैं, तो अपने उन योजनाओं को, अपने उन प्लान्स को आज हमारे साथ में अपनी डायरी में लिख लीजिए कि आप क्या चाहते हैं कि इस 2023 में प्रभु आपके जीवन में करे, और उस बात को आप लिख लीजिए डायरी में, एक एक करके उसे लिख लीजिए, और निश्चय परमेश्वर उन सब बातों को आपके जीवन में इस साल पूरा करेगा। परमेश्वर आपकी योजनाओं को पूरा करेगा, तो उन योजनाओं को आप लिख लीजिए, हमने भी लिखा है, आप भी लिख लीजिए, उन योजनाओं को लिख लीजिए और उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें रोज हमारे साथ में कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने इन योजनाओं को पूरा कर लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी योजनाओं को सफल करूंगा। तो आप योजना तो बनाए, आप युक्ति तो बनाए, आप प्लान तो बनाए, तभी तो परमेश्वर उन्हें सफल करेगा। तो आज मैं आपसे कहूंगा कि हमारे साथ में इन बातों को आप लिख लीजिए, अपनी योजनाओं को, अपने प्लान्स को आज आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, उन्हें अपने बाइबल के अंदर रखें और रोज़ हमारे साथ में उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। ऐसा करने से परमेश्वर आपके जीवन में इन योजनाओं को पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन हबक्कूक के पास पहुंचा कि तू दर्शन की बातों को साफ साफ लिख दे ताकि कोई भी दौड़ते हुए भी उन्हें पढ़ सके, उन्हें समझ सके। इस तरह से तू उन दर्शन की बातों को लिख दे जो मैं तुझे बता रहा हूं। इसी प्रकार से आज हमें भी करना है, उन दर्शन की बातों को, उन गूढ़ भेदों को जो परमेश्वर ने आपसे कहे हैं, आपसे बातचीत की हैं, उन प्लान्स को, इन योजनाओं को, उन वचनों को आपको लिख देना है, अपनी डायरी में लिख देना है, उन्हें अपनी दीवारों पर चिपका दीजिए, उन्हें अपनी दीवारों पर चिपका दीजिए, रोज परमेश्वर का धन्यवाद करें। निश्चय जब आप नेक्स्ट ईयर इसी दिन में देखेंगे तो परमेश्वर ने वो सारी बातें आपके जीवन में पूरी की होंगी, उन सब का उत्तर प्रभु आपके जीवन में देगा। तो इसलिए दोस्तों आज मैं आपसे कहूँगा, इस वचन पर भरोसा रखें कि परमेश्वर इस साल 2023 में अपनी भलाई को आपके जीवन में दिखाएगा और आपकी युक्तियों को, आपकी योजनाओं को सफल करेगा। और इसलिए आप अपनी योजनाओं को डायरी में लिख दीजिए और रोज सुबह शाम हमारे साथ में शामिल होकर उनके लिए प्रार्थना करें। निश्चय प्रभु उन सब बातों को, उन सब योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करेगा और आपको अपनी भलाई को दिखाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। जय मसीह। मेरा नाम अंकिता है और मैं राउरकेला उड़ीसा से हूँ, और मेरी गवाही ये है कि मेरे पापा को डेंगू हुआ था। वो भुवनेश्वर एम्बुलेंस हॉस्पिटल में एडमिट थे, आईसीयू में थे, उनका डायलिसिस होने वाला था, पर हम नहीं चाहते थे कि पापा डायलिसिस हो बोल के। तो मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को प्रे रिक्वेस्ट सेंड की थी, उन्होंने प्रे किया, उनके टीम ने प्रे किया, और आज मेरे पापा पूरे अच्छे हैं, ना ही उनका डायलिसिस हुआ, ना ही कुछ भी उनका हुआ, आज पूरे मेरे पापा चंगे हैं, नॉर्मल हैं। मैं पूरे धन्यवाद कहना चाहती हूँ पीके ब्रदर अमृता सिस्टर को कि मेरे पापा आज पूरे नॉर्मल है, और उनकी टीम को भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ, वो पूरे नॉर्मल है। धन्यवाद 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 कहना चाहती हूँ प्रभु को कि आज वो मेरे पापा को पूरे अच्छे से रखे हैं, नॉर्मल से रखे हैं, आज उन्हीं की वजह से ही मेरे पापा पूरे अच्छे हैं, नॉर्मल हैं। धन्यवाद कहना चाहती हूँ प्रभु, आप हमारे साथ हमेशा ऐसे रहिए, सभी के साथ ऐसे रहिए। जय मसीह की आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और मैं आशा करती हूँ कि इस नए साल में प्रभु के वचन को सुनकर आप आशीष पाए हैं, और इस साल के लिए प्रभु ने इस वचन के द्वारा जो आपको उत्साहित किया है, इस वचन को प्रभु इस पूरे साल आप सबके जीवनों में पूरा करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, धन्यवाद 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 करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर सन एंड होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग लॉर्ड, एंड वी ऑल आर हैप्पी टुडे लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आज की सुंदर शाम के लिए हम आनंदित हैं पिता कि प्रभु यीशु मसीह इस साल में, इस पहले दिन में परमेश्वर पिता हम इस संगति को करने पा रहे हैं। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी संगति के लिए, इस फेलोशिप के लिए परमेश्वर पिता, कि इस नए साल में हम
धन्यवादित होकर प्रभु तेरे सम्मुख आकर प्रभु जी, हाँ प्रभु, तेरी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सके प्रभु यीशु। आज प्रभु तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियां दुनिया की छोर से, जगह जगहों से प्रभु, तेरे प्रेमी लोग जो तुझसे प्रेम करते हैं, वो इस प्रार्थना के सहभागी हुए हैं प्रभु, इस वचन के सहभागी हुए हैं, इस आशीष वचन के सहभागी हुए हैं प्रभु, उस प्रॉमिस वर्ड्स के सहभागी हुए हैं प्रभु, जो इस साल के लिए प्रभु आपने इन भाई बहनों से, हम सबसे वायदा किया है परमेश्वर। मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि सच में प्रभु आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस शाम की प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु तेरी हुजूरी को महसूस करें, प्रभु तेरी होली प्रेजेंस को महसूस करें, तेरा पवित्र आत्मा का गाइडेंस प्रभु वो आज की शाम में अपने जीवनों में देखें, और प्रभु अपने जीवन में प्रभु वो कार्य देखें जो आपके अनुसार होते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ आज बड़े बड़े आश्चर्यकर्म और आप बड़े बड़े मिरेकल्स इनकी लाइफ में कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस साल की ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु जी, इस साल में होने वाले हर एक काम को जो आपके लोग करने के लिए प्लान कर रहे हैं, और इस साल में बहुत सारी योजनाओं को वो बनाने जा रहे हैं और उसे पूरा करने जा रहे हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ, मैं ब्लेसिंग्स को आपसे मांग कर प्रभु यीशु उनके जीवन के लिए उसे रिवील करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, जो वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपने बातचीत किया प्रभु, जिस प्रकार मूसा से पिता परमेश्वर आपने कहा कि मैं तेरे संग चलकर अपनी भलाइयों को तुझे दिखाऊंगा। यस माय लॉर्ड, इस पूरे साल में प्रभु जी आप अपने लोगों के साथ में चलकर अपनी भलाइयों को, अपनी दया को, अपनी करुणा को उन पर आप प्रकट करें और उन्हें दिखाएं परमेश्वर की सच में आप दया करने वाले, आप भलाई को करने वाले परमेश्वर है पिता। उन भले कामों को जो आपने इनके लिए नियुक्त किए, इनके जीवन के लिए जो प्लान्स आपने बनाए हैं प्रभु यीशु, इस पूरे साल में, इस 2023 में परमेश्वर पिता, हम आपके लोगों के लिए उस ब्लेसिंग्स को मांगते हैं, आपकी भलाइयां जीवन के एक एक पड़ाव में, एक एक दिन, एक एक क्षण में परमेश्वर पिता आप इन्हें ब्लेसिंग्स दे मेरे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ आज प्रभु इन भाई बहनों के लिए और इनकी फैमिलीज के लिए प्रभु यीशु मसीह, इनके परिवार में आप अपनी ब्लेसिंग्स को दे परमेश्वर, सुख शांति समृद्धि खुशियां आनंद इनके फैमिली में आए प्रभु, ऐसी ब्लेसिंग्स को हम मांगते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को प्रभु इन भाई बहनों के लिए, इनके फैमिली में हर एक जन के लिए मांगते हैं परमेश्वर कि प्रभु अच्छे स्वास्थ्य की आशीष आप इन्हें दे प्रभु। प्रार्थना है परमेश्वर इस साल में प्रभु यीशु मसीह ये अपने जीवन में, अपने फैमिली में, अपने कारोबार में, अपने जॉब के क्षेत्र में, अपने लाइफ के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े, ऐसी ब्लेसिंग्स को हम मांगते हैं परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस साल में प्रभु तेरे लोग प्रभु जी आत्मिक उन्नति करें परमेश्वर, वचन में, प्रार्थना में, संगति में यीशु मसीह ये बढ़े, ऐसी ब्लेसिंग्स को प्रभु आपके लोगों के लिए मांगते हैं प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु छोटे बच्चे और नौजवान और बुजुर्ग जितने लोग इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल होते हैं प्रभु, इस पूरे साल में परमेश्वर यूं ही ऐसी संगति में हम बने रहे प्रभु, और प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु उनकी सारी जरूरतें प्रभु इस पूरे साल में आप पूरा करें मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता विशेषकर प्रभु जो ब्लेसिंग इनके जीवनों में प्रभु नहीं है, वो इस साल में प्रभु वो ब्लेसिंग आप इनके जीवन में दे प्रभु, अच्छे जीवन साथी की ब्लेसिंग, बच्चे की आशीष, घर की आशीष, अच्छे जीवन की आशीष मेरे खुदावन, आत्मिक जीवन में उन्नति की आशीष, और प्रभु हर प्रकार के आत्मिक फलों की आशीष प्रभु, हर प्रकार की आशीषें प्रभु इनके जीवन में इस साल में बनी रहे यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद पिता। प्यारे प्रभु अपनी ज्ञान बुद्धि और समझ से इन्हें भरे प्रभु यीशु, इनके मार्ग में इनके संग संग चलें प्रभु यीशु, अपनी भलाइयों को आप प्रभु इस पूरे साल में इन्हें दिखाएं प्रभु यीशु मसीह, जो इनके लिए मुश्किल और कठिन और टफ है प्रभु, उनको आप इनके लिए सरल करें प्रभु यीशु मसीह, इनके मार्ग में हर एक स्टेप में इनके संग संग अगुवाई करते हुए चले प्रभु, इनको राइट डिसीजन लेने में, इनके प्रभु हर प्रकार के फैसलों को लेने में इस पूरे साल में आप इनकी सहायता करें प्रभु, गलत रास्तों से, एडिक्शन से, हर प्रकार की नेगेटिव बातों से, हर प्रकार की अंधकार की बातों से आप इन्हें बचाएं प्रभु जी, हर प्रकार के बुरे विचार, बुरी बातों से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर, और ब्लेसिंग्स मांगते हैं प्रभु कि इनके विचार प्रभु इस पूरे साल में सकारात्मक रहें, और प्रभु तेरा वचन जिस प्रकार इन्हें कहता है वैसा ही प्रभु इनके जीवन में हो, और आज ये वचन निर्गमन की किताब में परमेश्वर पिता मेरे खुदावन 19 पद से प्रभु यीशु मसीह जो आशीष वचन, जो प्रॉमिस वर्ड्स परमेश्वर इस साल के लिए दिया है यीशु मसीह
नासरी के नाम से आज जितने भाई बहनों ने इस वचन को सुना है, प्रभु यीशु पिता आप उन भलाइयों को इस वचन के द्वारा, इस प्रॉमिस वर्ड्स को इनके जीवन में पूरे साल में पूरा करें पिता, जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक पड़ाव में, हर एक स्टेप में परमेश्वर ये इस ब्लेसिंग को, इस प्रॉमिस वर्ड्स को पिता पूरा होते हुए देखे और पूरे साल में प्रभु यीशु मसीह ये आपकी आशीषों में रहें पिता। आज प्रभु जो कुछ भी इन्होंने इस वचन के अनुसार जो बातें, जो अपने लाइफ के लिए प्लान्स प्रभु जो आज रिटन किए हैं, जो लिखे हैं, यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं कि इस साल में आपने उन्हें पूरा कर दिया है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। आज की रात में अच्छी नींद को मांगते हैं, आज की रात में प्रभु आपके लोगों के लिए सुकून चैन को मांगते हैं। प्रभु आपके लोगों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन से सारे डर को आप दूर करें, दुष्ट के कामों को आप दूर करें। प्रार्थना है प्रभु कि पिता जिस प्रकार तेरा वचन आज ने मोटिवेट किया है प्रभु, ये अपने आप को पूरे साल इस वचन के द्वारा मोटिवेट करते रहे मेरे खुदा। होली स्पिरिट पूरे साल में आपकी उपस्थिति इनके साथ में चाहते हैं प्रभु, और इनके सारी योजना आज के दिन में आप पूरा करें पिता। धन्यवाद करते प्रभु, यूं ही हम तेरी संगति में इस पूरे साल बने रहें, पूरी विश्वास योग्यता से प्रभु अपने जीवन के हर एक कामों को करके प्रभु तुझे महिमा दे सके। आज प्रभु जितने लोग प्रभु जो कुछ भी वो कार्य करते और जो कुछ भी वो करने जा रहे हैं इस साल में प्रभु, वो विश्वास योग्यता के साथ में करके प्रभु तेरे नाम को महिमा दें और अपने जीवन में उस रिवॉर्ड, उस ब्लेसिंग को पाएं जो कि आपकी ओर से है। धन्यवाद करते प्रभु एक एक जन को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को पिता तेरे नाम से ब्लेस करती हूँ पिता, और प्रभु यीशु तेरे अद्भुत कार्य वो अपने जीवनों में देखें। थैंक यू लॉर्ड, आज की शाम को भी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, यूं ही हम तुझ में बने रहें जिन्होंने प्रभु इस नए साल में प्रभु आपके राज्य में बीज को बोया है। यीशु मसीह नासरी के नाम से वो 100 गुना फलवंत होकर 60 गुना, 30 गुना, 100 गुना उनके जीवनों में फलवंत करें प्रभु, आप इन्हें मल्टीप्लाई करके रिटर्न करें परमेश्वर, घटी कमियां इनके जीवनों में ना रहें, भरपूरी बहुतायत आशीषों में और प्रतिष्ठित समृद्ध प्रभु ये होने पाए पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जितनी रिक्वेस्ट इस नए साल में आई हैं प्रभु, जितने भाई बहनों ने प्रभु ये न्यू ईयर विश किया है प्रभु, सबको हम प्रभु इस प्रभु नव वर्ष में प्रभु तेरे नाम से बहुतायत की आशीषें देते हैं प्रभु, और कहते प्रभु यूं ही तेरे लोग तुझ में बढ़ते जाएं, और जो कुछ भी यदि आज समस्या में है तो प्रभु दूर हो यीशु मसीह के नाम से। अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छी योजनाएं इनके जीवनों के लिए बनाए प्रभु, और सब कुछ प्रभु इनके जीवन में बेहतर और उत्तम करें। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।